गुड इवनिंग, मैं आपका दोस्त निर्मल शाह फिर से एक बार एक साइकोलॉजिकल ट्रिक लिए। मेरे हिसाब से वी ऑल आर ऑब्सेस्ड टू फ्रेंडशिप, हमें दोस्ती करना अच्छा लगता है। हर उम्र के आदमी को, हर आदमी या औरत जो भी हो, जिस प्रोफेशन में हो, जहाँ कहीं भी हो, जिस फाइनेंशियल स्टेटस में हो, लेकिन दोस्ती करना हम सबको अच्छा लगता है। खास करके अगर दोस्त स्मार्ट हो, दोस्त चार्मिंग हो, उनकी बातें करने की तरीका अगर हमको पसंद आ गए, उसका बॉडी लैंग्वेज अगर हमको पसंद आ गए, तो वी गेट वेरी मच ऑब्सेस टू दैट फ्रेंड। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊँ, आपके पीठ पीछे जो वार करता है वो आपका यही दोस्त है। आपको आपका सबसे अच्छा दुश्मन जो बनता है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मनी करने के लिए आपका जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है ये जानना बहुत जरूरी है। और ये सिवाय एक करीबी दोस्त के और कोई नहीं जान सकता। आपका जो दुश्मन ऐसे ही है जो आपको ठीक तरह से नहीं पहचानता, वो आपको दूर से वार करेगा या आमने सामने वार करेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके आपके ऊपर वार करने के लिए जो जो वीकनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन एक दोस्त के पास होता है। डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आप दोस्ती ना करें। आप दोस्ती कीजिए, आप एक स्मार्ट आदमी से दोस्ती कीजिए, स्मार्ट औरत से दोस्ती कीजिए, बहुत मीठी बोलता है या बोलती है ऐसे आदमी औरत से आप दोस्ती कीजिए, सही में कीजिए, क्योंकि दोस्त अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न होता है। लेकिन साथ में कुछ चीज आपको नजर में रखना है, मैं वो दो किस्त में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है। सबसे पहली बात जो है, आपका जो दोस्त स्मार्ट है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा बात करता है, हर वक्त आपके साथ जुड़ा रहता है या हर वक्त आपके किसी बात पे आपको इमोशनली सपोर्ट देने की कोशिश करता है, अगर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि हर बात पे, हर किसी मोड़ पे या हर किसी पैराग्राफ में वो खुद का एग्जाम्पल दे दे आपको, दैट मीन्स यू आर सी सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऐसा बंदा, ऐसा आदमी, ऐसी औरत कभी किसी की अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। या अगर आप ये देख रहे हो कि आपका जो दोस्त है, आपका जो वो स्मार्ट खूबसूरत मीठी बोल बोलने वाला दोस्त है, वो ऐसी कोशिश में लगा हुआ है कि आपको हर चीज में आपकी गलती वो खुद मुंह से नहीं बता रहा है, वो ऐसा एक सिचुएशन बना रहा है कि जहां से आप अपनी गलती खुद मान लो, चाहे वो गलती आपकी हो या ना हो, मतलब इमोशनली आपसे वो खेल रहा है या खेल रही है। ऐसा आदमी, ऐसी औरत किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। नंबर थ्री, अगर आपको ये लगता है कि आपका ये जो स्मार्ट खूबसूरत सा दिखने वाला मीठी बोल बोलने वाला दोस्त आपके जीवन में या आपके डेली लाइफ में जब सबसे क्रंच टाइम आता है या सबसे क्रंच टाइम आया था, उस टाइम पे ये साइलेंट रह गए, ये चुप रह गए, आपको कुछ बताया भी नहीं, आपके साथ में अगर खड़े भी नहीं हुए या आपको कोई सलाह या मशवरा नहीं दिया कि भाई आपको ये करना है या आपको वो करना है, तो मान लीजिए कि आपका ये खूबसूरत सा मीठी बोल बोलने वाला स्मार्ट दोस्त आपकी किसी भी इमोशनल बैकलॉग की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई दोस्त हम थोड़ी ना इसे कहते हैं, दोस्त तो वो होता है जिसके सामने अगर हम जाएं वो हमको देखे और देख के पहले ही बात बता देते को हुआ क्या है। अगर मैं बताऊं कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं, और नहीं तो झूठ बोल रहा है, तेरी सूरत कुछ और बता रही है, तेरी आंखें कुछ और बता रही है, तेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है, लेकिन तू मुंह से कुछ और बोल रहा है, दोस्ती इसे कहते हैं। आपके पास है ऐसा दोस्त? मेंशन करते रहिए, अगले एपिसोड में और थोड़ा कुछ बताएंगे आपको ऐसी मीठी बोल वाले स्मार्ट गुड लुकिंग डैशिंग फ्रेंड्स के बारे में, जो हो सकता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो।